अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नीलोफर किचन। आज मैं शेयर करने वाली हूँ नूडल्स बनाने की रेसिपी। नूडल्स बनाने के लिए मैं 4 पैकेट हक्का नूडल्स ले रही हूँ। आप ज़्यादा कम ले सकते हैं, मैं ज़्यादा बना रही हूँ। पतीला गैस पर रखेंगे, 2 लीटर पानी डालेंगे। पानी अच्छा गर्म होने लगे तब नूडल्स उसमें डालेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल डालकर अच्छा मिक्स करेंगे। दस मिनट बॉईल होने देंगे नूडल्स को। नूडल्स 10 मिनट बॉईल होने के बाद छन्नी में निकालेंगे और उस पर ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालने के बाद नूडल्स पे तेल डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि चिपके ना एक दूसरे को। बड़ा पतीला गैस पर रखेंगे, 3 चम्मच तेल डालेंगे। 250 ग्राम चिकन ली हूँ, उसको धोकर अच्छे से 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर रखी थी। तेल गर्म होने के बाद इसमें चिकन डालकर फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई होने के बाद चिकन को निकालेंगे एक प्लेट में। चिकन फ्राई होने के बाद उसी तेल में 2 अंडे डालकर फ्राई करके लेंगे। अंडा फ्राई करके निकालेंगे। अंडा निकालने के बाद 2 मीडियम साइज के प्याज काट कर डालेंगे। प्याज हल्का फ्राई होने के बाद शिमला मिर्ची और पत्ता गोभी काट कर डालेंगे और फ्राई होने देंगे। 2-3 मिनट फ्राई होने के बाद फ्राई किया हुआ चिकन डालकर मिक्स करेंगे। चिकन डालने के बाद 4 चम्मच शेजवान चटनी डालकर मिक्स करेंगे। रेडीमेड हक्का नूडल्स मसाला 4 चम्मच डालेंगे। 2 चम्मच नमक डालकर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद नूडल्स डालेंगे। 3 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 3 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे नूडल्स को। नूडल्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्राई किया हुआ अंडा डालेंगे और नूडल्स रेडी है। मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।